हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टॉप गैप सॉल्यूशंस। सो ये सेशन हमारा रहेगा प्रोबेबली द लास्ट सेशन ऑफ द आर्ट एंड आर्किटेक्चर, बिकॉज इसमें हम जो टेंपल आर्किटेक्चर पार्ट था उसका जो थोड़ा बहुत बचा हुआ पार्ट था, क्योंकि उसके पहले पहले पार्ट में मैंने मोस्टली 80% उसको कवर कर लिया है। स्टिल आई थॉट कि जो 10-20% बचा हुआ है हियर एंड देयर उसको भी हम अभी आज कवर कर लेंगे। सो हियर, if you want to follow me, then this is our Facebook page, and here if you want to personally follow me, this is my Insta ID. So हमने जैसे कि पहले पढ़ लिया था तो ancient को हमने काफी deeply cover किया था, and उसके अलावा जो medieval plus modern दोनों भी हमने थोड़ा थोड़ा देख लिया था उसी part में. So here in detail we'll cover about the medieval India. सो आर्ट फॉर्म लैंग्वेज एंड लिटरेचर, सबसे पहले हमारा टेम्पल आर्किटेक्चर है जो एज वी नो कि उसे तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, नॉर्थ साउथ एंड द मिडिल पार्ट डेक्कन। सो टेम्पल आर्किटेक्चर इन नॉर्दर्न इंडिया इन मेडिवल टाइम्स, सो अर्ली 6th century AD नगरा स्टाइल, देन 750 AD से आपका एंशियंट स्टाइल्स तक कंटिन्यू रहता है 1250 AD तक। उसके बाद हमारा इस्लामिक स्टेट स्टार्ट हो जाता है, रूल स्टार्ट हो जाता है मिड 18th century तक। उसके बाद हमारा मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हो जाता है। सो जो नागरा स्टाइल था वो हमने देख ही लिया था, उसमें आपके ये जो पर्टिकुलर पार्ट था दैट इज गर्भगृह, इसको हम दियोल भी बोलते हैं, देन ये आपका शिखर जिसे हम टावर बोलते हैं, देन अर्धमंडप, भोग मंदिर, वेस्टिब्यूल, अंतराल जिसको कहते हैं, यहाँ भी आपका मंडप जिसको हम जगमोहन बोलते हैं, देन जो उड़ीसा पार्ट था उसमें हमारा इसको नट मंदिर भी बोलते हैं, एंड दिस इज कलश सबसे ऊपर वाला पार्ट, देन जो बीच वाला पार्ट है दैट इज अमलक, देन आपका डबल अमलक किसी किसी मंदिर में होता था उसको खजूर बोलते हैं, देन आपका ये जो पार्ट होता है उसे हम छपरा बोलते हैं, देन इसके बाद में ये जो स्पेशल पार्ट है ये वाला गाइस, ये आपका उरुश्रिंग बोलते हैं, जिसको बेसिकली जो फेमस था आपका खजुराहो राजस्थान एंड गुजरात पार्ट में, इन्हीं तीनों जगह पे ये बनाया जाता था। ओके गाइस, सो स्कल्पचर आर्ट यूज इन द फॉर्म ऑफ ऑर्नामेंटेशन एवरीवेयर, सम इम्पॉर्टेंट इज खजुराहो, माउंट आबू एंड तिलवारा टेम्पल। सो बेसिकली गाइस जो ऑर्नामेंटेशन था वो मोस्टली तो सारे मंदिरों में यूज किया जाता था, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो खजुराहो का फेमस जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे काफी सारे मंदिर है तो उसमें ये हमें बहुत अच्छे से देखने को मिल जाता है। देन माउंट आबू का जो दिलवारा मंदिर है, जो दिलवारा टेम्पल है वहाँ पे भी हमको देखने को मिल जाता है। देन ये पंचायतन स्टाइल होता है गाइस, जो एक मंदिर जो मेन डाइटी होते हैं उसके बाद 1, 2, 3, 4 जो अलग अलग श्राइन्स होती हैं, सब्सिडियरी श्राइन्स जिसको हम बोलते हैं। देन मेनली ये राजस्थान में, जिसमें आपका कुछ कुछ एग्जांपल आपके खजुराहो जो एमपी में है, जिसमें लक्ष्मण मंदिर जो है गाइज उसमें काफ़ी प्रोमिनेंटली हमको ये पंचायतन स्टाइल देखने को मिलता है। 4 major areas जो इसके थे, उड़ीसा, खजुराहो, राजस्थान एंड गुजरात, इनके कुछ कुछ टेम्पल्स के हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिसमें लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर, जगन्नाथपुरी उड़ीसा, सन टेम्पल कोणार्क उड़ीसा, देन रुद्रानी टेम्पल भुवनेश्वर उड़ीसा, कंदरिया महादेव टेम्पल खजुराहो में, लक्ष्मण टेम्पल अगेन खजुराहो, पार्श्वनाथ इन खजुराहो एंड सोमनाथ मंदिर जो है हमारा गुजरात में, देन आपका सन टेम्पल इन मोधेरा गुजरात, दिलवार टेम्पल इन माउंट आबू राजस्थान एज वी ऑलरेडी रेड इट। सो मोस्ट टेम्पल्स जो कि हमारे हिंदू टेम्पल्स थे, जिसमें आपके शिवाइट और वैष्णवाइट थे, लेकिन कुछ उनमें से जैन मंदिर भी हुआ करते थे, जिनके एग्जाम्पल है दिलवारा, पार्श्वनाथ। इनके ग्राउंड प्लान जो होते थे वो बेसिकली स्क्वायर प्लान में ही होते थे। ओके गाइस, सो नेक्स्ट इज आर नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन मेडिवल इंडिया, में आपका जो टेम्पल ऑफ उड़ीसा में जो बनाए गए खजुराहो टेम्पल, टेम्पल ऑफ गुजरात, टेम्पल ऑफ राजस्थान, देन द गंगा स्टाइल जो हमारा उड़ीसा स्टाइल में काफी फेमस था, जो उस जगह पे जो एग्जांपल जो टेंपल बनाए गए थे वो बेसिकली गंगा स्टाइल में थे, देन सोलंकिया स्टाइल जो टेंपल्स ऑफ गुजरात कंस्ट्रक्टेड बाय जो गुजरात में जो सोलंकी रूलर्स थे और गुजरात में जो चालुक्याज रूलर थे, उन दोनों ने जो टेंपल्स बनवाए वो हमारे सोलंकी स्टाइल में फेमस हो गए। जो सन टेंपल बनवाए गए थे मेडिवल टाइम्स में उनके एग्जांपल्स हैं गाइस, सन टेंपल मार्टन जो कश्मीर में है, बिल्ड बाय द फेमस रूलर ऑफ कश्मीर ललित आदित्य इन 8th century, उस जो स्टोन से बना हुआ है, इसका रेक्टेंगुलर प्लान है, गर्भगृह है, इनक्लोज्ड इन अ वास्ट कोर्टयार्ड, इसमें काफी बड़ा वरांदा है विच इज सराउंडेड बाय वॉल्स एंड पिलर्स विद बेस एंड कैपिटल। उसके बाद आपका
ओसियान जो हमारा जोधपुर राजस्थान, देन हमारा 8th सेंचुरी टेम्पल बिल्ड बाय गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार जो राजा थे वहां के उन्होंने बनवाया, उसमें गर्भगृह है, मंडप है, पिलर्स, बेस कैपिटल एंड पंचायतन स्टाइल। सो बेसिकली ये जो है हमारे नागरा स्टाइल के फेमस फेमस टेम्पल्स हैं, जिसमें आपका मोधेरा गुजरात में बिल्ड बाय सोलंकीज इन 11th सेंचुरी, ये एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स थे जो नॉर्दर्न साइड में थोड़े कम बनाए जाते थे। यूज टेम्पल टैंक इन फ्रंट ऑफ गर्भगृह, सो बेसिकली इस जगह का जो गुजरात के जो ये वाले टेम्पल बनाए जाते थे उसमें जो हमारा गर्भगृह होता था उसके सामने काफी बड़ा एक टैंक बनाया जाता था, पानी का टैंक बनाया जाता था। देन हमारा आ जाता है कोणार्क उड़ीसा बिल्ड बाय ईस्टर्न गंगे रूलर नरसिम्हा देव इन 13th सेंचुरी। इसमें हमारा दियोल जो मैंने अभी आपको बताया था जिसे हम गर्भगृह कहते हैं, देन जगमोहन और नट मंदिर तीनों बनाए गए थे। देन बिल्ड इन द शेप ऑफ गायंटिक चैरियट विच हैज 12 पेयर्स ऑफ ऑर्नामेंटल व्हील्स, इसको हम ब्लैक पगोड़ा भी बोलते हैं। ये काफी फेमस है गाइस, जिसको हम पॉपुलरली ब्लैक पगोड़ा के नाम से जानते हैं। ये रथ के शेप में बनाया गया था, लार्जेस्ट एंड द लेटेस्ट टेम्पल इन उड़ीसा। उसके बाद हमारा आ जाता है टेम्पल आर्किटेक्चर इन कश्मीर, डेवलपमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 8th सेंचुरी AD, 9th सेंचुरी AD एंड इट लॉस्ट इंपॉर्टेंस बाय द बिगिनिंग ऑफ 10th सेंचुरी AD। ड्यूरिंग दिस पीरियड द अर्ली फेज टेम्पल्स आर बुद्धिस्ट, सबसे पहले बुद्धिस्ट के, एंड द लेटर फेज टेम्पल्स आर हिंदूज। देन गर्भगृह इज द मेन पार्ट ऑफ द टेम्पल टू द टेम्पल स्ट्रक्चर विद इन द रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड, एक रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड वरांदा जिसको हम कहते हैं वो बनाया जाता था और गर्भगृह इसका मेन पार्ट होता था। वैसे गाइस गर्भगृह हर टेम्पल का ही मेन पार्ट होता है, इसमें शिखर नहीं होते थे एंड मंडप भी नहीं होते थे। सो द अपर स्ट्रक्चर ऑफ गर्भगृह इज ट्रायंगुलर, इस टाइप का जो गर्भगृह के ऊपर जो स्ट्रक्चर बनाया जाता था वो ट्रायंगुलर बनाया जाता था। एंट्रेंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्पेसिफिक काइंड ऑफ आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर एंड इट्स अपर पार्ट इज ऑल्सो ट्रायंगुलर। सो सम टेम्पल्स प्लेस इन द सेंटर ऑफ द शेलो टैंक, कुछ जो टेम्पल्स थे वो टैंक के बीच में बनाए जाते थे और वो जो टैंक थे वो ज्यादा डीप नहीं हुआ करते थे, शेलो टैंक्स बनाए जाते थे, उनके बीच में टेम्पल्स बनाए जाते थे। देन टेम्पल्स कैरेक्टराइज्ड बाय पिलर्स व्हिच हैव कैपिटल्स एंड बेसिस। मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स कंस्ट्रक्टेड ऑफ एबनॉर्मली लार्जर ब्लॉक्स ऑफ स्टोन्स, बहुत बड़े बड़े पत्थर, बहुत बड़े बड़े ब्लॉक्स जो थे उनसे बनाया जाता था। देयर एविडेंसेस ऑफ पंचायतन, सो गाइस कश्मीर में भी यहाँ पे भी पंचायतन स्टाइल फॉलो किया जाता था। इसके कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं सन टेम्पल मार्तंड, शिवा टेम्पल अवंतीपुर, विष्णु टेम्पल अवंतीपुर, शंकराचार्य टेम्पल नियर श्रीनगर। अब इसके बाद हमारा टेम्पल आर्किटेक्चर इन साउथ इंडिया देख लेते हैं। सो 6th सेंचुरी से 8th-9th सेंचुरी तक तो हमारा द्रविड़ा स्टाइल चला था, उसके 9th सेंचुरी के बाद में 12th सेंचुरी तक हमारा चोला स्टाइल चला, 12th से 13th तक हमारा पांड्यास एंड 13th से आपका 14th-16th तक हमारा विजयनगर स्टाइल चला था। देन उसके बाद हमारा 16th से 17th सेंचुरी तक हमारा नायक स्टाइल चला था। सो ये अलग अलग फेजेस में इनका डेवलपमेंट हुआ, फेज 1, 2, 3 एंड 4। तो फेज 1 में हमारा अ फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द्रविडियन स्टाइल अंडर चोलास, तो जो सबसे पहले द्रविडियन स्टाइल जो आर्किटेक्चर स्टार्ट हुआ था हमारा एक नागरा और एक द्रविड़ा, सो जो द्रविड़ा स्टाइल जो इमर्ज हुआ उसका जो थोड़ा सा डेवलपमेंट हो गया वो पहले फेज में हुआ जिसको हम चोलास के बोलते हैं। इन टेम्पल बिल्डिंग देयर वाज अ फोकस ऑन गर्भगृह विमान पार्ट ऑफ व्हिच रिक्वायर्ड अ मैसिव शेप। सो बेसिकली जो फेज वन था उसमें जो विमान गर्भगृह वाला पार्ट था वो काफी मैसिव शेप में बनाया जाने लगा। एलैबोरेशन ऑफ टेम्पल कॉम्प्लेक्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस सब्सिडरी स्ट्रक्चर्स लाइक मंडप भी बनाए जाने लगे, नंदी मंडप, अर्ध मंडप एंड 1000 पिलर मंडप, अलग अलग टाइप के मंडप बनाए जाने लगे थे। एंड दिस वॉज एंटायरली न्यू स्ट्रक्चर एंड बिकम पॉपुलर लेटर, इट वॉज अ ह्यूज मंडप हैविंग वेरियस रोज ऑफ पिलर। सो जो हमारा 1000 पिलर मंडप जो बनाया जाता था वो एक नया ही कॉन्सेप्ट था, लेकिन बाद में ये थोड़ा ज्यादा पॉपुलर हो गया, इसमें काफी सारे रोज में पिलर बनाए जाने लगे थे। एंड मोर एलैबोरेटेड रिचर ऑर्नामेंटेशन रिप्रेजेंटिंग ब्यूटिफुल स्कल्पचर आर्ट, काफी ज्यादा ऑर्नामेंटेशन होने लग गया था। वन टिपिकल इमेज इज द इमेज ऑफ द्वारपाला, सो गाइस द्वारपाला की जो इमेज है वो हर जगह फेमस है, लाइक नॉर्थ में भी फेमस है और साउथ में भी फेमस है। तो जो गेट होते थे हमारे मंदिर के, जो एंट्रेंस गेट होता था उसके दोनों साइड पे जो द्वारपाल बनाए जाते थे, गोपुरम एक्वायर्ड प्रॉपर शेप, जो गोपुरम था, गोपुरम जैसा कि मैंने आपको टेम्पल आर्किटेक्चर वाले पार्ट में बताया था, ये आपका मंदिर हो गया, मंदिर से थोड़ी दूरी पे आपका गोपुरम वॉल बनाई जाती थी। ये गोपुरम काफी फेमस हो गया था एंड काफी बड़े बड़े, समटाइम्स इतने बड़े होते थे कि जो मंदिर होता था वो छोटा होता था, गोपुरम जो होता था वो बड़ा होता था। बिगिनिंग ऑफ अ चैरियट लाइक मंडप विच बिकेम मोर कॉमन लेटर। थ्री इंपॉर्टेंट टेम्पल्स आर
अभी हम नाम देखते हैं राजराजेश्वर टेम्पल, जिसको हम बृहदेश्वर टेम्पल भी बोलते हैं। ये एक शिवाइट शिव मंदिर है एट थंजोर, जो चोलास की कैपिटल हुआ करती थी उस टाइम पे। एंड राजराजा फर्स्ट हु वाज मेड मोस्ट फेमस चोला किंग। देन टेम्पल एट गंगाईकोंड चोलापुरम बाय राजराज प्रथम एंड द सन, उनके जो सक्सेसर हुआ करते थे, एंड सेकेंड मोस्ट फॉर्म फेमस चोला किंग। सो सबसे पहले हमने इसमें नाम देखा राजराजा वन का, देन हमने देखा राजेंद्र वन का। तो इन दोनों ने ही काफी ज्यादा टेम्पल आर्किटेक्ट किया था वहां पे। देन विमान ऑफ पहले वाला, जो ये वाला टेम्पल है राजराजेश्वर टेम्पल, इसका जो विमान है वो 200 फीट का ऊपर तक गया हुआ है गाइस। इसकी जो हाइट है वो 200 फीट तक ही गई हुई है। एंड विमान ऑफ दिस टेम्पल जो जो गंगाई कोंड चोलापुरम जो राजेंद्र वन ने बनवाया था, उसका जो विमान है वो 186 फीट है। सो गाइस बेसिकली दिस इज टेलिंग अस कि उसमें कितने ज्यादा ऊंचाई वाले टेम्पल बनाए जाने लगे थे। एंड उसका एक और हमारा एग्जाम्पल है टेम्पल आर चिदम्बरम। फिर हमारा नेक्स्ट फेज स्टार्ट हो जाता है गाइस, जो पांड्यास फेज है 12th से 13th सेंचुरी एडी में, एंड जो अर्ली 14th सेंचुरी एडी तक वहां पर पांड्यास का ही डेवलपमेंट रहा था। Their focus was on गर्भगृह विमाना rather than गोपुरम। अब इस फेज में गए, जो हमारा पहला फेज था जो चोला के अंडर में आता था, उसमें जो गोपुरम थे वो काफी ज्यादा हाइट के बनने लग गए थे, लेकिन इसमें गर्भगृह और विमान जो होता था उस पर ज्यादा आपका ध्यान जाने लगा था। They constructed larger गोपुरम than previous period गोपुरम in existing temples mainly। So basically क्या हुआ, इन्होंने गोपुरम तो नहीं बनवाया था, लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेम्पल्स हुआ करते थे, जो पहले से मंदिर बने होते थे, उनमें उन्होंने जो गोपुरम था उसको पहले से बना बढ़ा दिया। मतलब इनका ध्यान बेसिकली गर्भगृह और विमान की तरफ था। जो मंदिर उन्होंने नए बनवाए वो गर्भगृह और विमान पे ज्यादा ध्यान दिया, लेकिन जो प्रीवियसली जो पहले से मंदिर बन चुके थे उनके गोपुरम को उन्होंने बड़ा करवा दिया। देन हमारा स्टार्ट होता है फेज थ्री, फर्दर डेवलपमेंट अंडर विजयनगर सेकेंड हाफ ऑफ द 14th, 15th and 16th सेंचुरी। तो जो विजयनगर का जो थर्ड फेज था वो स्टार्ट हो गया। The development is so distinguished that the temple architecture here given a name Vijayanagar style or Pravira style. So ये यहाँ पे इनका जो style था वो थोड़ा सा अलग हो गया, उसकी वजह से इनको नाम ही पड़ गया था विजयनगर style। इसमें एक ये अमन एंड कल्याण मंडप, यहाँ पे आपका गर्भगृह हो गया, यहाँ पे आपका कल्याण मंडप हो गया जहाँ लोग जमा होते थे गाइज। ये एक हॉल होता था जहाँ पे लोग जमा होते थे, एंड ये एक अलग से स्ट्रक्चर बनने लग गया जिसको हम अमन बोलने लगे। 1000 पिलर मंडप बिकम कॉमन, जो पहले स्टार्ट हुआ था चोलास के टाइम पे, जस्ट बिगिन के एक हम 1000 पिलर वाला मंडप बनवाएंगे, वो इस फेज तक आते आते कॉमन हो गया था। वेरी यूनिक फीचर इज यूनिक पिलर्स विच आर हाईली कार्व्ड एंड ऑर्नामेंटेड एंड सम पॉपुलरली नोन एज म्यूजिक पिलर्स। ये हमने गाइस काफी सुन रखा होगा कि साउथ में कुछ ऐसे मंदिर होते हैं जहाँ पे जो पिलर्स होते हैं उससे म्यूजिक निकलता है, उसे हम म्यूजिक पिलर बोलते हैं। बिकॉज जब हम उसको बजाते हैं एक लकड़ी से, लकड़ी की स्टिक से, उसमें से म्यूजिकल नोट्स निकलते हैं। अनदर यूनिक फीचर ऑफ विजयनगर टेम्पल आर स्कल्प्टेड वॉल्स एंड वेरियस इमेजेस, जिसमें अलग अलग ह्यूमंस, एनिमल्स एंड डिवाइंस काफी सारी इमेजेस बनाई जाने लगी। अ लार्ज मोनोलिथिक फिगर नियर द टेम्पल इज ऑल्सो अ फीचर, जिसमें आपके जैसे एक मोनोलिथिक मतलब मोनो सिंगल लिथिक स्टोन, सो एक सिंगल स्टोन का बड़ा बड़ा इमेज बनाया जाने लगा जो मंदिर के पास में रखा जाता था, जैसे कि इमेज ऑफ नंदी एंड जो 4 मीटर हाइट थी, 8 मीटर लॉन्ग था, लोकेटेड एट सम डिस्टेंस टू लिपाक्षी टेम्पल आंध्र प्रदेश में। जो लिपाक्षी टेम्पल है उसके पास में एक नंदी का इमेज बनाया गया है जो मोनोलिथिक है, 4 मीटर उसकी हाइट है, 8 मीटर लॉन्ग है। दिस इज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट मोनोलिथिक नंदी इन इंडिया। पूरा इंडिया में हमारे जितने भी नंदी के इमेजेस बनाए गए हैं उनमें सबसे बड़ा इसको माना गया है। एंड इसके कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं, विट्ठल टेम्पल विजयनगर, देन इसको बनाया था हमारे कृष्णदेवराज ने, देन हजार राम टेम्पल विजयनगर अगेन, देन विरूपाक्ष टेम्पल अगेन विजयनगर, देन वीरभद्र टेम्पल लिपाक्षी आंध्र। फिर गाइस हमारा स्टार्ट हो जाता है फेज फोर। सो फेज वन हमारा हो गया चोलास वाला, फेज टू हमारा हो गया पांड्यास वाला, फिर हमारा विजयनगर स्टाइल स्टार्ट हो गया, देन हमारा फेज फोर जिसमें हम नायक स्टाइल पढ़ेंगे। सो द नायक्स वर पावरफुल मिलिट्री चीफ्स अंडर विजयनगर किंगडम हु बिकेम ऑटोनोमस एंड इंडिपेंडेंट इन द वेक ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द विजयनगर किंगडम। तो विजयनगर किंगडम जब डिक्लाइन होने लगा तो उन्हीं के जो मिलिट्री चीफ हुआ करते थे जिनको हम नायक बोलते थे, तो उन्होंने अपने आप को ऑटोनोमस डिक्लेयर कर दिया था।
And they contributed to further development of Dravida style in South, and most important contribution made by the Nayaks of Madurai and Nayaks of Tanjore. So Nayaks of Madurai and Nayaks of Tanjore ने काफी ज़्यादा development किया था temple architecture में. The development took place in 16th and 17th century. They contributed in two ways. They constructed new temples. They added new structure to existing temple. उन्होंने कुछ नए मंदिर भी बनवाए और कुछ जो existing मंदिर थे उनको ठीक से दोबारा से newly तरीके से construct भी कराया. Then in the new construction, इसका example है Subramanyam temple at Tanjore. Second new construction is very famous, that is Shiv Meenakshi temple. Shiv Meenakshi मतलब spouse of Shiva. And ये मंदिर हमारा है मदुरई में. And this temple is characterized by a huge temple tank. इसमें बहुत बड़ा एक tank बनाया गया है. 11 गोपुरम है guys. Can you imagine? Normally पहले सबसे पहले एक बनता था, फिर चार अलग अलग गोपुरम बनने लगे. But in this temple there are 11 गोपुरम्स. During this time, many famous temple in South India acquired their final shape. Some important is, हम कुछ नाम देख लेते हैं, जैसे रंगनाथ टेम्पल श्रीरंग में, इसमें 21 गोपुरम है एंड दिस इज द लार्जेस्ट टेम्पल इन साउथ इंडिया. सो अगर आपसे अभी कोई पूछे सबसे ज्यादा गोपुरम कितने, 21, किसमें, रंगनाथ मंदिर में. एंड शिवा टेम्पल एट चिदम्बरम एंड वन ऑफ इट्स गोपुरम डिपिक्ट्स टू ऑल द डांस पोजेस ऑफ शिवा. सो जो हमारा शिव टेम्पल है चिदम्बरम में, जिसके बारे में हमने पहले भी बात किया था, वो हमारा जो शिव के जितने भी डांस पोजेस हैं उसको डिपिक्ट करता है. एंड द थर्ड इज टेम्पल एट रामेश्वरम. उसके बाद हम देखते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर इन डेक्कन. डेक्कन का एरिया कौन सा होता है गाइस? महाराष्ट्र प्लस आंध्रा प्लस कर्नाटका. सो ये अगर हमारा साउथ है तो ये अगर कर्नाटका का एरिया है, ये महाराष्ट्र का एरिया है एंड दिस, तो ये पूरा मिला के हमारा डेक्कन हो जाता है गाइस. एंड सो सदर्न नॉर्दर्न एंड चालुक्यज ऑफ बदामी 6th से 8th सेंचुरी. इन्होंने इनके स्टाइल को गाइस, जो डेक्कन में स्टाइल फेमस हुआ उसको हम हाइब्रिड स्टाइल बोलते हैं. हाइब्रिड मीन्स विसारा एंड हाइब्रिड. सो अब मान लीजिए यहाँ नॉर्थ में आपका नागरा स्टाइल बनेगा या साउथ में आपका द्रविड़ा स्टाइल बनेगा. अब जो एरिया बीच में रह जाएगा उसको इसको इसमें भी कुछ कुछ फीचर्स अडॉप्ट कर लिए जाएंगे एंड यहाँ के भी कुछ कुछ फीचर्स अडॉप्ट कर लिए जाएंगे एंड कंबाइनली इट विल कॉल्ड एज विसारा और विसारा स्टाइल. सो सबसे ज्यादा हमारा इस टाइप का दिखता है क्योंकि हमने यहाँ से नागरा स्टाइल उठा लिया, यहाँ से द्रविड़ा स्टाइल उठा लिया और ये हमारा बन गया विसारा स्टाइल. सो अंडर चालुक्यास ऑफ कल्याणी, जैसा कि हमने पढ़ा होगा चालुक्यास रूलर्स जो थे, चालुक्यास ऑफ बदामी अलग होते थे, चालुक्यास ऑफ कल्याणी अलग होते थे. सो अंडर चालुक्यास ऑफ कल्याणी एंड ऑफ 10th सेंचुरी 11th सेंचुरी टिल द एंड ऑफ 12th सेंचुरी. सो डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड स्टाइल जिसको हम विसार भी बोलते हैं, मोस्ट विजिबल एस्पेक्ट ऑफ दिस स्टाइल इज अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ टावर. एक अलग ही टाइप का टावर बनाया जाता था गाइस, उसी को हम विसारा का बिल्कुल बेसिक फीचर मानते हैं. एंड एक अलग टाइप का टेम्पल प्लान बनने लग गया जिसको स्टीलेट प्लान बोलते हैं. स्टीलेट का मतलब होता है गाइस स्टार शेप्ड. जहां भी आपको ऐसा कुछ स्टार शेप फॉर्म मिलेगा उसको हम स्टीलेट बोलते हैं. टेम्पल्स आल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय ब्यूटीफुल स्कल्पचर आर्ट. टू इंपॉर्टेंट टेम्पल्स आर महादेव टेम्पल, दंडवासप्पा टेम्पल, दोनों आपके कर्नाटका में है. एंड उसके बाद आपका आ जाता है फेज टू अंडर काकतिया. काकतिया रूलर के बारे में गाइस आपने पढ़ा ही होगा. एंड इन आंध्रा रीजन पार्टिकुलरली वारंगल वाले जो रीजन था एंड देयर पीरियड इज मिड 11th सेंचुरी 12th सेंचुरी 13th सेंचुरी एंड अर्ली 14th सेंचुरी. सो यहाँ पे हाइब्रिड स्ट्रक्चर था ऑफ द टावर विच इज अ यूनिक फीचर ऑफ विसारा. एंड टेम्पल करेक्टराइज बाय ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स. टू मेन टेम्पल यहाँ के हम देखते हैं, 1000 पिलर टेम्पल एंड रामप्पा टेम्पल, दोनों आपके आंध्र रीजन में है. इससे पहले वाले दोनों आपके कर्नाटक रीजन में थे. नाउ आपका फेज थ्री अंडर होयसालाज, ये भी आपने पढ़ रखा होगा गाइस होयसाला, हूज कैपिटल वॉज द्वार समुद्र. इसको हम हेलिबिड भी बोलते हैं कर्नाटक में. एंड इनका टाइम पीरियड था 12th to 13th सेंचुरी. देन डेवलपमेंट इज सो यूनिक दैट समटाइम्स टर्म्स होयसाला स्टाइल इज ऑल्सो यूज. हम हेलिबिड स्टाइल या होयसाला स्टाइल दोनों ही कंबाइनली यूज कर लेते हैं इसके लिए. एंड इन मैनी केसेज द कंस्ट्रक्शन ऑफ टू टेम्पल्स इवन 3, 4 or 5 द सिमिलर काइंड ऑफ. अब इसमें होता क्या था गाइज, मान लीजिए दो टेम्पल एक जैसे बनाने हैं हमको, ठीक है, या कभी कभी हम 3, 4, 5 भी बना देते थे. मतलब यहाँ पे एक टेम्पल का कॉम्प्लेक्स बनाया जाता था जिसमें आपके सिमिलर नंबर ऑफ गर्भगृह होंगे, लेकिन उनका जो प्लान होगा, मतलब जो इंटीग्रेटेड होगा, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 आपने मंदिर बना दिए. यूजुअली दो बनते थे पर कभी कभी 3, 4, 5 भी बन सकते हैं. और उसमें आपका नंबर जो होगा गर्भगृह का वो एक ही होगा
और ये सारे के सारे मंदिर इंटीग्रेटेड हो जाएंगे। मंदिर अलग अलग है, गर्भगृह आपका एक ही हो जाएगा। स्टिलेट प्लान होता था टेम्पल्स बिल्ड होना हायर प्लेटफॉर्म, मतलब ये आपका एक नॉर्मल प्लेटफॉर्म और यहाँ पे आपने और इसको रेज कर दिया तो ये हायर प्लेटफॉर्म। हायर प्लेटफॉर्म पे बनते थे एंड लीव्स अ ब्रॉड फ्लैट सरफेस ऑल अराउंड द टेम्पल। बड़ी बड़ी काफी सारी जगह छोड़ दी जाती थी टेम्पल के अराउंड में। अ वेरी यूनिक फीचर इज हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड मोल्डिंग्स। द पिलर्स आर ऑल्सो यूनिक कैरेक्टराइज बाय हॉरिजॉन्टल मोल्डिंग एट द बेस एंड इवन एट द अपर पार्ट। वेरी रिच ऑर्नामेंटेशन, बहुत अच्छा ऑर्नामेंटेशन किया जाता था यहाँ पे। इन सम टेम्पल्स द हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ द टावर, सम इम्पॉर्टेंट होयसाला टेम्पल, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, केशव टेम्पल सोमनाथपुर, ग्रुप ऑफ टेम्पल्स एट बेलूर एंड होयसलेश्वर टेम्पल एट द्वार समुद्रम, जिसको हम हेलीबिट टेम्पल्स के नाम से भी जानते हैं। सो गाइज अब हम आ जाते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर इन महाराष्ट्र। सो यहाँ पे गाइज बहुत फेमस है अजंता और एलोरा, जिसमें आपका एलिफेंटा तो काफी ज्यादा फेमस है। ये बेसिकली राष्ट्रकूटास के अंदर बनाए गए थे 8th, 9th and 10th सेंचुरी में। सो डेवलपमेंट मेनली अंडर राष्ट्रकूटास एंड टेम्पल आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट रॉक कट आर्किटेक्चर, जिसको हम केव टेम्पल भी बोलते हैं। इसके दो मेन साइड्स थे एलोरा एंड एलिफेंटा। ये हमने पढ़ रखा है गाइज पेंटिंग वाले सेक्शन में भी, टेम्पल एंड आर्किटेक्चर वाले सेक्शन में भी। सो एक बार आप उन दोनों को प्लीज देख लीजिएगा सो दैट यू गेट द कम्प्लीशन फीलिंग। एंड इन एलोरा देर अबाउट 32 रॉक कट केव्स विच आर एसोसिएटेड विद ऑल द थ्री रिलीजियंस। सो गाइज अजंता और एलोरा में बेसिकली यही डिफरेंस है, अजंता जो है वो हमारा मेनली बुद्धिस्ट डिपिक्ट करता है और एलोरा में हमारे तीनों रिलीजन मिल जाते हैं। एंड द केव्स आर यूनिक बिकॉज हियर वी हैव एग्जाम्पल्स ऑफ थ्री स्टोरीड केव्स। जो एलोरा केव्स है गाइज उनमें तीन स्टोरी तक के केव्स बनाए गए हैं। केव्स आर लार्जर इन साइज एंड ऑल्सो कैरेक्टराइज बाय ब्यूटिफुल स्कल्पचर, जिसमें आपका बहुत फेमस है रावण शेकिंग माउंट कैलाश, दिस इज अ ह्यूज रिलीफ और इनकार्नेशन ऑफ विष्णु, विष्णु के अवतार। द मोस्ट ब्रिलियंट स्ट्रक्चर इन एलोरा इज कैलाशनाथ टेम्पल, जिसको आपके राष्ट्रकूट किंग कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, कृष्ण फर्स्ट। दिस टेम्पल क्रिएटेड आउट ऑफ अ वन पोर्शन ऑफ मोनोलिथिक हिल, एक बड़ा सा पोर्शन एक हिल है उसको कार्व्ड आउट कर करके मंदिर बनाया गया है गाइज। दिस टेम्पल शोज द्रविडियन इफेक्ट एंड कैरेक्टराइज्ड ऑफ विमान, जो द्रविडियन मंदिर बनाए जाते थे जिसमें विमान मंडप और अंतराल बनाया जाता था, उसी टाइप से ये मंदिर बनाए गए हैं। दिस टेम्पल इज कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी रिच ऑर्नामेंटेशन। अदर इंपॉर्टेंट रॉकट स्ट्रक्चर्स आर दशावतार, गोपी, छोटा कैलाश, ये सब भी वहाँ पे फेमस है। उसके अलावा आपके जगन्नाथ सभा, ये जैन टेम्पल है, देन डोठल आपके बुद्धिस्ट टेम्पल है, Deenthal also a Buddhist temple. The second site is Elephanta, which is a complex of 6 rock cut caves representing Hindu temples. Guys, इसके सारे images जो हैं वो मैंने अपने पिछले part में combine कर दिए हैं, so make sure you watch that also. So the most brilliant structure is Cave 1, also known as the Great Caves or Shiva Cave. जो पहला cave है उसको हम Great Cave और Shiva Cave बोलते हैं, which is characterized by very beautiful pillars and sculptures. Elephanta is famous for massive and brilliant sculpture art and also and one of such example is three-headed was known as Trimurti. ये जो हमारी त्रिमूर्ति है ये 6 meter तक बड़ी है और इसमें हमारे शिव, भैरव और पार्वती तीनों को डिपिक्ट किया गया है। Second brilliant example is the image of Ardhanarishwar, जिसमें आपको half male and half female का body दिखाया गया है, जो right part है वो man का है, जो left part है वो women का है। Another brilliant example is Shiv Nataraja. One more is Kalyan Sundar Murti, refers to the marriage of Shiv and Parvati. Kalyan Sundar Murti जो है वो depict करती है the marriage of Shiv and Parvati. So Elephanta is known for some brilliant sculpture art in the medieval India. Then आपका आता है Himadpanti style of temple architecture. अब जो हमारे देवगिरी के जो यादव्स थे ये उससे associated है। Period इसका है 12th to 13th century and beginning of 14th century. ये महाराष्ट्र के एरिया में बहुत ज्यादा फेमस था। एंड नेम हिमादपंती आफ्टर द नेम हिमाद्र हु वाज मिनिस्टर अंडर द यादव्स क्रिएटेड विद बिल्डिंग्स अबाउट 300 टेंपल। जो हमारे यादव्स के अंडर में जो एक हिमाद्र नाम के मिनिस्टर हुआ करते थे उन्होंने अराउंड 300 टेंपल्स बिल्डिंग्स बनवाए थे। सो दिस स्टाइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी हैवी फॉर्म एंड नियर टोटल एब्सेंस ऑफ ऑर्नामेंटेशन ऑन द एक्सटीरियर वॉल। सो बेसिकली बहुत ज्यादा हैवी फॉर्म में बनाए गए थे लेकिन जो बाहर की दीवारों पे जो ऑर्नामेंटेशन था वो बिल्कुल एब्सेंट था। सो गाइज ये हमारा बेसिकली खत्म हो जाता है टेम्पल आर्किटेक्चर एंड टोटली कम्प्लीट।
मतलब इसके बाहर आपको जाना ही नहीं है। इससे पहले वाला पार्ट जो है टेम्पल आर्किटेक्चर का, आप उसको कवर कर लीजिए और इसको कवर कर लीजिए, एंड यू वोंट हैव टू रैंडमली गो हेयर एंड देयर एंड फाइंड अदर एग्जाम्पल्स। नो, जो भी आपका आएगा, जितना भी आपका आएगा, वो इस सब में से कवर हो जाएगा। सो गाइज, इफ यू फील दिस सेशन वॉज वर्थ वॉचिंग, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।